ड्रामा सीरियल फरियाद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। एक तरफ अनम को मुराद की सारी प्लानिंग की समझ आ जाती है। मानूर जब अपना बच्चा लेकर घर आती है तो हसीना मुराद से कहती है, आपने तो मुझसे बच्चा देने का वादा किया था, मुझे किसी सूरत में मानूर का बच्चा चाहिए। इस पर मुराद कहता है, मुझे मानूर अपना बच्चा नहीं देगी, आज ही तो अस्पताल से घर वापस आई है, तुम कुछ सब्र करो, मैं कुछ करता हूँ। फिर हसीना कहती है, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, बस मुझे बच्चा चाहिए। उसके बाद मानूर मुराद से कहती है, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को कभी अपने से अलग नहीं करूँगी। इस पर मुराद मानूर की बातों को सुनकर परेशान हो जाता है। मुराद के साथ से उस आदमी को बच्चा देने का मसला हल हुआ ही था कि अब दूसरा हसीना का मसला खड़ा हो गया। अब मुराद सोच में पड़ गया है कि वह हसीना को किस तरह समझाए। और फिर हसीना का शोहर उससे कहता है, हम मानूर और मुराद का बच्चा कैसे ले सकते हैं, अब तो उनका सिर्फ एक ही बच्चा है, अब ना ही हमें वो बच्चा देंगे और ना ही हमें उनका बच्चा लेना चाहिए। लेकिन हसीना के सर पर बच्चे का भूत सवार होता है। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।